स्ट्रीट गवर्नमेंट जनाब अब्दुल गनी पोलिस साहब, रिनाउंड पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, द प्रेजेंट ग्रेट एजुकेशनिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर शोकत साहब, respected director sahab, mufti sahab and dear students, indeed I feel honored to be part of this mega event. Manzil mile na mile mujhe iska gham nahi, manzil ki justujoo mein mera karan hai. Aaj saal ka bachcha Dr. D.K. Seren जब सुबह उठा और स्कूल में गया कि मास्टर जी मुझको स्कूल में दाखिल कर लीजिए, एंड द टीचर सेड मनी फी, एंड द स्टूडेंट सेड नो आई डोंट हैव, आई बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली, वी आर नॉट एबल टू एफर, हम पैसे नहीं है. तो मास्टर ने कहा, टीचर ने कहा कि चले जाओ, कि तुमको दाखिला स्कूल में नहीं मिलेगा. नम आंखों से वो बाहर आता है, अखबार बेचता है और फिर उसी स्कूल में दाखिला लेकर वहीं टॉप करता है और फिर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट डॉक्टर डी के सरेन बन जाता है, इसरो का चीफ बन जाता है, 111 मिसाइल डिस्कवर कर देता है. डॉक्टर एपीजे कलाम जब स्कूल में जाने लगे तो स्कूल में मास्टर ने कहा, कल यूनिफॉर्म पहन के आना. तो कहा, मेरे पास पैसे नहीं है यूनिफॉर्म लेने के लिए. Hands up. हम कुछ नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म और किताबें लेके आओ तो क्लास में आओ. तो सुबह 4 बजे उठते हैं, पूरे मोहल्ले में अखबार बेचते हैं, पैसे जमा करते हैं, यूनिफॉर्म खरीदते हैं, किताबें खरीदते हैं और फिर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाते हैं, हिंदुस्तान का सदर बन जाते हैं. कोई भी बड़ा काम करने के लिए किसी बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, किसी बड़े शहर की जरूरत नहीं है. प्लेटफॉर्म छोटा सा भी क्यों ना हो, इंसान का विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है. हजरत, आपने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर, सभी बच्चे जानते हैं, मोहम्मद अली, जिन्होंने बाद में मुस्लिम हुए, दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर थे. उनसे किसी ने कहा कि तुम स्किल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो या विल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो. उन्होंने कहा, यस My dear friend, skill is very important, but will is more important than skill. कि जब मैं मैदान में होता हूं और फिर मेरा ओपोनेंट मुझे एक मुक्का मार के गिरा देता है, मेरी स्किल वहां हार जाती है और मेरी विल कहती है, उठो अली, उठो, एक बार उठो और फिर उस स्किल से उस ओपोनेंट के साथ मुकाबला करो और तुम्हारी जीत होगी. तो विल पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब कोई परिंदा आके किसी टहनी पे बैठता है ना, वो उस टहनी के पावर को नहीं देखती है, उसको अपने विंग्स पे भरोसा होता है. वो कहती है, टहनी टूट जाएगी लेकिन मेरे विंग्स मुझको उड़ा के लेके जाएंगे. यही मैंने आपकी आंखों में देखा है. और बच्चों, तुम्हारी आंखों में जो मैंने चमक देखी है, मैं ईमानदारी से बात कह रहा हूं, बहुत ईमानदारी से बात कह रहा हूं, कि जो चमक मैंने इनकी आंखों में देखी है, तो फिर कैस्पियन सी की गहराई क्यों ना हो, अफ्रीका के जंगल क्यों ना हो, हिमालय पे जमी हुई वो बर्फ क्यों ना हो, आपको रोक नहीं सकती है, रोक नहीं सकती है, रोक बस सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए. जिंदगी में परेशानियां चाय पे जमी हुई मलाई की तरह, हम कभी भी चाय को छोड़ नहीं देते हैं कि नहीं नहीं इस पे अब मलाई जम गई है. हम क्या करते हैं, उस मलाई को उठा के फेंकते हैं और उस चाय को पी जाते हैं. इसी तरह से आपकी जिंदगी में भी परेशानियां आएंगी, कठिनाइयां आएंगी. और बच्चों, जब तक आप जिंदा हैं, आपके रास्ते में लोग दीवारें खड़ी करेंगे कि आपको कोई बड़ा इंसान नहीं बनना है. लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस दिन आप कोई बड़ा काम कर जाओगे ना, फिर वही लोग जो कल आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, सबसे अव्वल में खड़े होकर तालियां बजा रहे होंगे कि यही मैंने कहा था कि ये जीतेगा.
और कलेजा शेर जैसा रखना है, क्योंकि चूहे और गीदड़ भाग जाते हैं, वो किसी भी मैदान में जाके मुकाबला नहीं कर सकते। डार्विन ने आज से बहुत साले पहले चूरी दी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। जीत सिर्फ उसी की होती है जिसको अपने आप पर भरोसा है, जिसको भरोसा रब्बे जलील पर है, जिसने सारी दुनिया बनाई है। तो मेरा भी मानना यही है कि आप कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, अपने आप पर भरोसा रखिए और मेहनत कीजिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, क्योंकि माँ और बाप की इज्जत करने से ही आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। और जो डॉक्टर शौकत साहब काम कर रहे हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपको बहुत 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 मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी हम लोग जानते हैं, हम जिक्र करते हैं कि किस तरह से आपने दूर दराज इलाके में आके एजुकेशन लोगों तक पहुँचाई, एक समुंदर को लेके आए। और जनरली क्या होता है कि प्यासा समुंदर के पास जाता है, यहाँ समुंदर आप लोगों के पास आया और आज आप उससे फायदा ले रहे हो। बोलना बहुत कुछ था, मैं जानता हूँ पुलिस साहब की मसरूफियत है, फिर जिंदगी रही तो आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। लेकिन एक बात आखिरी बार कहते कहते जाऊंगा, एक बार मास्टर ने ना बहुत दिल को छू जाने वाली बात कह के कंक्लूड करूंगा। एक बार मास्टर ने बच्चों से कहा कि बच्चों कल जब आप स्कूल आओगे ना तो जन्नत की मिट्टी लेके आ जाना। दूसरे दिन सारे के सारे बच्चे खाली हाथ आए, एक बच्चे के हाथ में मिट्टी थी। तो मास्टर ने पूछा ये मिट्टी तुम कहां से लेके आए? तो बच्चे ने कहा मास्टर जी ये मिट्टी मैं माँ के पांव के नीचे से लेके आया हूँ। और जिस दिन आपको ये पता चल गया ना कि बाप का खुरदरापन और माँ के ये दोनों हाथ ऐसे, तो फिर आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बदल जाएंगी। मेरा इस चीज पे ईमान है और अल्लाह ताला ने हम लोगों को अशरफुल मखलूकात इसीलिए बनाया है कि हम दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको नहीं कर सकते। बस अल्लाह ताला हमको नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आने वाले मुफ्ती हजरात हैं या मुफ्तियाने करम यहाँ जम्मू की धरती पे पैदा होंगे और इसका सारा का सारा क्रेडिट डॉक्टर शौकत साहब को जाएगा। मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया, मैं इसके लिए दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए ये बात बताना जा रहा हूँ कि वो रोशनी वो शमा जो आपने डॉक्टर साहब यहाँ जलाई है, मुझे उम्मीद है कि ये मुख्तलिफ इलाके के चराग हैं, जब जब ये चराग अपने अपने इलाके में जाएंगे इस रोशनी को संभाल कर रखेंगे और वहाँ इसकी खूबसूरत रोशनी को बखेरेंगे और उससे हमारे आने वाली नस्लों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।